Hello everybody welcome back to my channel learning Less with ESV. so today we are going to do my new canvas english at your fingertips class 8 course book and it is by pearson so today we are going to do chapter 6 the hornbill festival part 2 as we have completed part 1 so if you have any doubt you can ask me in the comment section below and the link to the part 1 is given in the description box so let's start we were somewhere here the hornbill festival is not just about reliving the glorious past but it is also a celebration of the present yani ki jo hornbill festival hai uska matlab ye nahi hai ki khali hum past को ही याद करें इसके साथ साथ हम present को भी celebrate करें वो भी हमको Hornbill festival सिखाता है वन ऑफ द बिगेस्ट एनुअल रॉक फेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो होस्टेड इन कोहिमा डरिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल और एक बड़ा सा एनुअल फीसट होता है कंट्री में जो कि कोहिमा में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल के टाइम पे द हॉर्नबिल नेशनल रॉक कॉन्टेस्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज आर्गबली द मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑन द कैलेंडर फॉर द रॉक फ्रेटर्निटी इन इंडिया यानी कि जो हॉनबिल नेशनल रॉक कॉन्टेस्ट और जो न, ये म्यूजिक फेस्टिवल है ना ये मतलब पॉपुलर इवेंट्स है जो कैलेंडर में हमें दिखाई देते हैं और ये एक टाइप की रॉक फ्रेटर्निटी है इंडिया में फेमस बैंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन दिस फेस्ट यानी कि फेमस बैंडस होते हैं न वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड में जितने भी होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्ट में म्यूज़िक लवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस फेस्टिवल टू एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक म्यूज़िक ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो म्यूजिक लवर्स होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में से वो विजिट करते हैं ये फेस्टिवल के टाइम ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए नॉर्थ ईस्ट में जो म्यूज़िक होती है वो द अदर ग्रेटर पैसन ऑफ़ द रीजन इज़ फूड एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल इट इज़ नेवर इन शॉर्ट सप्लाई यानी कि जो एक पैसन है जो ग्रेट पैसन है उस रीजन का वो फूड भी है जो ये फेस्टिवल में कभी भी मतलब शॉर्टेज में नहीं जाता है सो हॉन्नबिल पेराडाइज जो हॉर्नबिल है वो एक टाइप का फूडी पैराडाइज भी है वन कैन ट्राई ऑल काइंड ऑफ नागा ट्रेडिशनल फूड यानी कि एक जन सब काइंड का जो नागा ट्रेडिशनल फूड है वो ट्राई कर सकता है टूरिस्ट आर वेलकम टू ऑमली टू द ट्रेडिशनल हर्ट्स ऑफ ईच ट्राइब यानी कि जो टूरिस्ट होते हैं ना उनको वेलकम किया जाता है जो ट्रेडिशनल हर्ट होते हैं अलग अलग ट्राइब्स के द एल्डरली ऑफ द ट्राइब देन इन्वाइट द गेस्ट टू टेस्ट द वेरियस काइंड ऑफ डेली केसिस ऑन ऑफ यानि कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उन ट्राइब में वो इन्वाइट करते हैं गेस्ट को ताकि वो अलग अलग टाइप का जो डिलीशियस खाना है वो खा पाएँ वन कैनॉट मिस द नागा चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट यानी कि जो अगर आप उधर जाते हो तो आप नागा चिली ईटिंग कॉन्टेस्ट मिस नहीं कर सकते यानी कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होता है वहाँ पे द नागा किंग चिल्ली ऑल्सो नोन एज बूट जोलोकिया यानी कि जो उधर की जो चिल्ली है उसको बूट जोलोकिया भी बोला जाता है एस ऑफन बीन ट्रेंग द वर्ल्ड हॉटेस्ट चिल्ली यानी कि वर्ल्ड की सबसे तीखी जो चिल्ली है ना मिर्ची है उसको वो गिना जाता है सो दिस मे बी आस्ट इन अ ब्लैंक और सो कि जो सबसे तीखी जो चिल्ली होती है हॉटेस्ट चिल्ली होती है वो क्या होती है तो बूट चोलोकिया या फिर नागा किंग चिली द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फेस्टिवल टेक ग्रेट प्लेजर इन मेकिंग पार्टिसिपेंट क्राई यानी कि जो ऑर्गेनाइजर होता है फेस्टिवल का वो एक प्लेजर लेता है ताकि जो पार्टिसिपेंट्स है वो रो सके ब्रेव पार्टिसिपेंट क्यू अप टू इट एज मैनी एज दे कैन ऑफ एंड वीपिंग एज दे ट्राई टू ओवर और आउट परफॉर्म अदर्स यानी कि जो ब्रेव पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्यों करते हैं मतलब क्यू अप हो जाते हैं और ईद करते हैं चिल्ड्रीज को जितनी वो खा पाए और कभी कभार बहुत रो लेते हैं और आउट परफॉर्म कर जाते हैं द मीट इटिंग कॉम्पिटिशन इज़ अनदर पॉपुलर इवेंट यानि कि जो मीट इटिंग कॉम्पिटिशन है वो भी उधर किया जाता है मीट बिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट क्यूजेंट्स यानी कि जो मीट है ना वो एक मेन पार्ट है नॉर्थ ईस्ट क्यूजेंट्स का ऑल पॉसिबल मीट डिस आर ऑफर फॉर टूरिस्ट टू रैलीस यानी कि सब मतलब मेनली जो मीट डिसज है ना वो ऑफर की जाती है ट्यूरिस्ट को ताकि वो टेस्ट करवाए रोस्टेड ड्राइड एंड स्मोक्ड मीट आर अवेलेबल एंड प्रिपेर इन द ट्रेडिशनल नागा इस्टाइल यानी कि रोस्टेड ड्राइड स्मोक्ड मीट ये सब अवेलेबल है और प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल नागा इस्टाइल में वहाँ पर सो नागा नागाजन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट विदाउट द ट्रेडिशनल राइस बियर राइस बियर के बिना भी नागा क्यूजन इनकम्प्लीट है एक्सप्लोरिंग द लोकल क्यूजन एंड द इंडिजीनियस वे ऑफ कुकिंग ऑफ एंड गिव इनसाइट इन टू लाइव ऑफ द लोकल पीपल यानी कि अलग अलग लोकल क्यूजन्स को एक्सप्लोर करना उनके वे देखना कुकिंग के ये हमको एक टाइप का इंसाइट देता है जो लाइफ जानने का जो उधर के लोकल पीपल है उनकी लाइफ जानने का एक मतलब साइट देता है ऑलवेज अ गेस्ट्रोनॉमिक डिलाइट इट ऑल्सो लिविंग लेसन इन लिविंग कल्चर यानी कि इधर आपको मीनिंग में भी दिया गया है गैस्ट्रोनॉमिक का मतलब होता है स्टाइल ऑफ कुकिंग और ईटिंग यानी कि वो एक स्टाइल होती है कुकिंग और ईटिंग की जो डिलाइट करती है हमको लेसन लर्न करने उनकी की उनकी कल्चर की राइट सो इन एडिशन टू ऑल दिस अट्रैक्शन द हॉर्नबिल मोटर रैली इज अनदर यूनिक इवेंट विच सुड बी ऑफ द इंटरेस्ट टू एडवेंचर सीकर्स यानी कि इन सब के साथ एक हॉर्नबिल मोटर रैली भी होती है जो एक यूनिक इवेंट है उसमें भी इंटरेस्ट होता है एडवेंचर सीकर्स का ये रैली कवर करती है ट्वेल्व मोस्ट पिक्चर्स क्यू लोकेशन जो स्टेट में है एवट मोटरस्ट और नॉट फॉलोइंग द रैली ट्रेल विल नॉट टनेस द मोस्ट ऑ इंस्पायरिंग साइट डेट द नागा कंट्री साइड हैज़ टू ऑफर यानी कि जो मोटरिस्ट होते हैं वो भी फॉलो करते हैं रैली को और काफ़ी लोग विटनेस भी करते हैं और एक ओ इंस्पायरिंग सीन होता है नागा के कंट्री साइट का वन मस्ट ऑल्सो नॉट मिस आउट टू विजिट कोहिमा नाइट बाज़ार नाइट बाज़ार जो कोहिमा में उसको भी लोग नहीं मिस करना चाहते हैं This busy stretch of town come alive during the Hornbill Festival with food, music, and fun. यानी I mean, कि ये जो busy stretch है town का वो कब एकदम कजिन्दा हो जाता है जब Hornbill Festival में जब उधर food होता है music होता है fun होता है the street get overcrowded with various food and handicraft stalls. यानी कि जो streets है ना वो crowded हो जाती है अलग-अलग type -अलग के food से handicrafts से उन सब के stalls से it is great प्लेस है टू वॉक एडमिनिस्ट ऑल द हस्टेल एंड बस्टेल ऑफ द बाज़ार यानि कि मज़ा आता है उस टाइम पर चलने में यानि कि आपको तो पता ही होगा इंडिया में कैसे मेले लगते हैं मेले बोलते हैं ना राइट उस टाइप का उधर नाइट बाजार होती है सो अपार्ट फ्रॉम द इवेंट इट हॉर्नबिल अ ट्रिप टू नागालैंड इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द ट्रैक इन द मेजेस्टिक दिजूकू वैली सो अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट्स यानी कि इन सब इवेंट्स के साथ ही एक ट्रिप नागालैंड तक वो इनकम्प्लीट हो जाएगी जब तक हम ट्रैक नहीं करें किधर दिजूकू वैली में लोकेटेड एट द हाइट ऑफ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट मीटर अबव द सी लेवल यानी कि टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी एट मीटर की हाइट पे सी लेवल के ऊपर ये सिचुएटेड है इट इस अबाउट ट्वेंटी फाइव किलोमीटर अवे फ्रॉम कोहिमा ये ट्वेंटी फाइव किलोमीटर दूर है कोहिमा से हेवन फॉर नेचर एंड द वैली प्रोवाइड पेनोरिक व्यू ऑफ द रिवर एंड माउंटेन ऑफ द रीजन यानी कि बहुत से हैवन जैसा लगता है वहाँ पे रिवर और माउंटेन के व्यू अच्छी तरह से दिखाई देते हैं वैन द मल्टी कलर रोड एंड ड्रॉन्स आर इन द फुल ब्लूम चेरीज सो रोड एंड ड्रॉन्ट्स आर अ बुस विथ लार्ज रेड पर्पल और पिंक फ्लार्स यानी कि रेड पिंक और पर्पल फ्लावर्स जो होते हैं ना उनको रॉड कहा जाता है यहाँ पे जो अलग अलग मल्टी कलर फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं और ये एक अच्छा देखने का साइट है विजिट तो कोहिमा वॉर मेमोरियल इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द हिस्ट्री बुफ्स यानी कि अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको कोहिमा वॉर मेमोरियल तो देखना ही चाहिए सो कोहिमा वॉज लोकेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बैटर ऑफ वॉर दैट इज़ वर्ल्ड वॉर टू यानी कि जो कोहिमा है वो एक लोकेशन है जहाँ पे सबसे क्रूशियल बैटल हुई थी दैट इज़ वर्ल्ड वॉर टू एंड द बैटल ऑफ कोहिमा वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस जापानीज अटैक ऑन इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी फोर और जो बैटल थी ना कोहिमा की वो एक टर्निंग पॉइंट था जापानीज अटैक का जो इंडिया में हुआ था नाइनटीन फोर्टी फोर में द बैटल वॉज फ्राम फोर अप्रैल टू ट्वेंटी टू जून एंड नाइन्टीन फोर्टी फोर यानी कि फोर्थ अप्रैल से लेकर ट्वेंटी टू जून तक नाइन्टीन फोर्टी फोर में ये वॉर लड़ी गई थी सो द बैटल इज ऑफन रिफर टू एज द स्टेलिंग्रेट ऑफ द ईस्ट इसको हम स्टेलिंग्रेट ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं एंड वॉक इन द वॉर मेमोरियल विल रिमाइंड वन ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर ऑफ़ बाइजोन एरा यानी कि अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के देखें और इन सब बातों को मतलब आप उधर जाके देखो तो आपको एक सेक्रीफाइस मिलेगा सोल्जर्स का देखने को और ये बाइजोन एरा के आसपास था अ ट्रिप टू हॉर्नबिल फेस्टिवल इज मस्ट फॉर एनी वन हुट टू सी द मैग्नीफिसेंट ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानि कि हॉनबिल फेस्टिवल की विजिट तो उसको करनी ही चाहिए जो मैग्निफिसेंट ब्यूटी और कल्चर डाइवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में देखना चाहता है सो नाउ दिज आर वर्ड मीनिंग्स डेट मीन्स द न्यू वर्ड्स इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट इन योर बुक आई मीन नॉट बुक एंड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज समटाइम्स इन योर एग्जाम दे मे बी आस्ट ओके लाइक इन एम सी क्यूज वॉट इज द मीनिंग ऑफ पेविलियन ओके सो जस्ट गो थ्रू डेम This also today we are going to do comprehension check. a fill in the blanks with correct words from the text. Actually, I have written this now only for you all. So, let's start. Question 1 is the young dormitory and integral way of living in Nagaland is also known as Morang. So, just fill in the blanks if you have the book. Fill it with pencil. I have filled it with pen. Okay. The headgears worn by the Nagas are woven with fine blank bamboo and decorated with blank wild orchids or hornbill feathers bamboo and wild orchids are the answer for the second question the blank heritage village displays all the indigenous traditions and handicraft of nagaland so the answer is kisama fourth the major ethnic groups in nagaland are usually blank hunting tribes the naga king chili also known as blank is the hottest chili in the world but jolokia so now Answer these questions. Why is the Hornville Festival the most anticipated cultural carnival of Nagaland? So the answer is over here in the first paragraph. You can go through the first paragraph. The Hornville Festival is most anticipated cultural carnival of Nagaland. Locally, it is located in the northeast India. Nagaland is very beautiful and ethnical diverse state with all the major tribes from state participating in festivities. Hornville is the best which वे ऑफ कैचिंग अलिम्स ऑफ नागा लाइफ सेकेंड और थर्ड आपको खुद से करने पड़ेंगे डेट आर वॉट यू नो अबाउट द हॉर्नविल बर्ड अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड डिस्क्राइब द इवेंट्स यू लाइक द मोस्ट सो इवेंट्स तो आप खुद ही डिस्क्राइब करेंगे और हॉर्नविल बर्थ के बारे में मैंने इधर आपको बताया ही है पार्ट फर्स्ट में तो अगर आपको उसके बारे में आपने नहीं पता है या नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख सकते हैं so here uh, now where is the hornbill festival celebrated so you know it is celebrated in northeast side and located in nagaland here only second line you can see so this type of paragraph you can write you can frame the sentence i have explained you very thoroughly now what is boot jolokia that is the hottest chili let me tell you the paragraph for it also here see the Naga King Chilli, also known as the Boot Jolokia, has often been recognized as the World hottest chilli. You can write till here, others. From the two others. It will be the answer for the fifth question. Six. In what way does the Hornbill Festival thrill adventure seekers? So, you know, with some activities such as Boot Jolokia, meat eating contest, and uh, here. See, in addition to this attraction, the Hornbill motor release is another unique event which should be interest for the adventure seekers. So, motor release also uh, like uh, interest for the adventure seekers. So, this was all about I can tell you about the answers. Now, this is a reference to the context that you need to do and discuss questions. You can discuss this is vocabulary that you need to solve by yourself. It is grammar, right. And if you have any doubt related to this grammar, you can watch my videos, right? So, there I need to end the video. Okay, so bye bye.